हाय गाइस, कुलुम बाई एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रही हूँ बारबेक्यू नेशन टू हैव फूड। सो अभी हम लोग पहुँच गए भांगागढ़। एंड ये जो बारबेक्यू नेशन है वो लाचित नगर में है, लाचित नगर गुवाहाटी। एंड अभी हम लोग पहुँच गए लाचित नगर। और ये जो बारबेक्यू नेशन है ये KFC के ऊपर में है, मतलब सेकेंड फ्लोर में है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं थ्रू लिफ्ट। एंड अभी हम लोग पहुंच गए सेकेंड फ्लोर। एंड वी कैन नॉट एंटर विदाउट सैनिटाइजिंग आवर हैंड। सो मैंने सैनिटाइज कर लिया एंड फाइनली मैं बारबेक्यू नेशन के अंदर घुस गई। सो हमने ऑलरेडी एक टेबल रिजर्व कर लिया था। ये है लुक ऑफ द बारबेक्यू नेशन। तो यहाँ पर आपको एक फिक्स अमाउंट पे करना है, जैसे कि हमने पे किया 849 पर हेड। सो उस 849 में आप जो भी खाना चाहते हैं, आपको सब कुछ खाने के लिए मिलेगा। मतलब यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट, अनलिमिटेड फूड एट 849। एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट आई कार्ड यूज़ करके 50% ऑफ डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये पॉलिसी फ़िलहाल यूज़ में नहीं है, मे बी ड्यू टू पेंडेमिक। और अगर आपका बर्थडे वगैरह रहता है या फिर आप सेलिब्रेशन के लिए वहाँ पर जाते हो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, तो वो लोग आपको फ्री में केक प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया स्टार्टर से, और ये है लेफ्ट साइड का पाइनएप्पल और राइट साइड का मशरूम, और ये है काजून पोटैटो, बारबेक्यू नेशन का सिग्नेचर डिश, और ये है पनीर टिक्का। तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी स्टार्टर्स का मेनू में है वो सब आपको एक के बाद एक सर्व करते ही जाएंगे, मतलब एक के बाद एक लाते ही रहेंगे जो भी आपको खाना है। तो अभी लाया है प्रॉन और फिश। फिश से मेरी फ्रेंड को एलर्जी है तो वो नहीं खाएंगी ये, इसलिए हम लोगों ने साइड में रख दिया उसको। और मुझे भी इतना मछली पसंद नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स भी इंक्लूडेड है विद इन दैट प्राइस। अभी मैं मेन कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ और मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई करने वाली हूँ,
क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब आना होगा और कल किसने देखा है ना। ये है पुलाव और ये पनीर, पनीर का समथिंग झोल, पनीर ग्रेवी। और ये है छोले भटूरे, छोले और लेफ्ट साइड का भी छोले है लेकिन वहाँ पर बीन्स ऐड किया हुआ है और थोड़ा सा राइस लेने वाली हूँ क्योंकि होमर मानू भात न होले तो न होए। और अभी मैं आ गई सलाद सेक्शन में और सलाद सेक्शन में आके मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कौन सा लूँ कौन सा नहीं, क्योंकि स्टार्टर्स खाने के बाद स्टोमक ऑलरेडी फुल, नो स्पेस इन स्टोमक। स्टिल ट्राई तो करना बनता है। सो फाइनली माई फेवरेट चिकन, चिकन चिल्ली ग्रेवी। एक्चुअली जगह ही नहीं मेरे प्लेट में। उपाय नहीं है, एडजस्ट करना पड़ेगा। ये भी चिकन है, चिकन ग्रेवी, चिकन कोसा आई थिंक। तो मैंने हाथ से खाना शुरू कर दिया और मैंने स्पून यूज़ नहीं किया क्योंकि भगवान ने हाथ क्यों दिया है ना। सो थूस ही रही हूँ मैं कब से, थूसते ही रहो थूसते रहो, बिना इधर उधर देखे थूसते रहो, थूसो थूसो। और अभी मैं ट्राई कर रही हूँ सूप और सूप एकदम घटिया लगा मुझे, एकदम टेस्ट नहीं था। और मेरा खाना हो गया और मैं अभी डेजर्ट्स ट्राई करने जा रही हूँ, सो लेट्स गो। अभी हम लोग निकल रहे हैं, खाना हो गया है। सो ओवरऑल मुझे खाना अच्छा ही लगा। स्टार्टर्स को दूंगी मैं 9 out of 10, मेन कोर्स को दूंगी मैं 8 out of 10 एंड डेजर्ट्स को दूंगी मैं 9 out of 10। सो मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय बाय।